एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपको मेरा ये लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो आज है ट्यूसडे और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। सो मैं अभी अपने न्यू वाले चैनल के लिए वीडियो शूट कर रही थी, दो चोटी वाली। सो फाइनली थोड़ा सा मैंने मेकअप भी किया था और आप देख सकते हैं मुझे कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इस वाले रूम में, एक्चुअली थोड़ा गर्म ज़्यादा रहता है। तो सो मैंने सोचा यहाँ पर नेचुरल लाइट आ रही है, सो फिर इसीलिए मैं इस वाले रूम में वीडियो शूट कर लेती। एक्चुअली विंडो से और बालकनी डोर से बहुत अच्छी सी सनलाइट आती है ना, तो सो अच्छा सा वीडियो बन जाता है, क्लियरिटी बहुत अच्छी आ जाती है। सो फाइनली मैंने अपनी वीडियो शूट कर ली है, आपको मिल जाएगी 2-4 दिन में ये वीडियो। एंड आज मैंने न्यू वाले चैनल पर लिपस्टिक कलेक्शन डाला था अपना, जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट लिपस्टिक है वो मैंने डाली थी, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। और आपकी कोई भी और रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ आप बता दिया करो कि आपको मेरे चैनल पे क्या क्या चाहिए, तो उसी टाइप की वीडियो मैं आप लोगों के लिए शूट किया करूँगी। और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मैं आप लोगों के नाम भी लिया करूँगी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो होगी। सो मेरी दो छोटी बन चुकी हैं और कितने पतले बाल हो रहे हैं एक्चुअली मेरे, क्योंकि इस आजकल ना बाल बहुत ज़्यादा ही झड़ रहे हैं, कितना भी कुछ कितने भी अच्छे से केयर कर लो लेकिन मानसून में बाल ज़्यादा झड़ते हैं। और ये है मेरा आई मेकअप, कैसा लग रहा है मुझे बताना ज़रूर। थोड़ा सा ग्रीन एंड ब्राउन का कलर किया था मैंने। एंड ये हेयर स्टाइल कॉलेज एंड और जो स्कूल गर्ल्स लड़की होती है ना उन लोगों के लिए बेस्ट है ये हेयर स्टाइल, बहुत ही थोड़ा सा स्टाइलिश किया, थोड़ा सा मैसी वाला। एंड बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है एक्चुअली। सो मैं सोच रही हूँ, अभी मैं फ्री थी दोपहर के टाइम में, मन नहीं लग रहा था, सोचा चलो आज अपना व्लॉग देर से ही शुरू कर लेती हूँ। आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मैंने अपने व्लॉगिंग नहीं की, वरना मैं मोस्टली मॉर्निंग में ही शुरू कर लेती हूँ अपना व्लॉग, लेकिन वही है ना डेली डेली क्या मैं कुकिंग वगैरह दिखाऊँगी आप लोगों को। सो फिर हस्बैंड चले गए थे और आज खाने में कुछ ज़्यादा खास नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि हस्बैंड का ट्यूसडे तो फास्ट रखते हैं हनुमान जी का। उसके बाद फिर मैंने दोपहर अपने लिए खाना बनाया था, काली वाली जो मसूर की दाल होती है ना, मलकी की दाल बोलते हैं उसको, मैंने वो बनाई थी एंड रोटी बनाई थी हस्बैंड के लिए, दही और पराठा बना के दे दिया था। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा, सारे काम हो चुके, कपड़े वगैरह धोकर मतलब फ्री होकर बैठी थी, तो सोचा वीडियो शूट कर लेती हूँ, और वीडियो शूट हो गई तो सोचा व्लॉग शूट कर लेती हूँ। एक यूट्यूबर की लाइफ ऐसी होती है, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम निकाल के वीडियो शूट करनी होती है। आप समझ सकते हो कि हमें पूरे दिन का रूटीन दिखाना होता है, सो फिर जब भी टाइम मिले बस कैमरा निकालो और शुरू हो जाइए। यस, और अभी वीडियो शूट हो रही है मेरी, और क्या बोलते हैं यार, एक व्लॉग अभी और है मुझे एडिट करने के लिए। आप सोच रहे हो सारी वीडियो 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 की बातें की जा रही हूँ, तो चलिए वीडियो की बातें ना करते हैं। और मैं आज आपको बताती हूँ कि मेरा बर्थडे आने वाला है, शायद मैंने आपको बताया नहीं बताया, आई डोंट नो, मैंने शायद बताया भी है नहीं, मुझे याद नहीं है एक्चुअली। तो नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे आने वाला है, और इस बर्थडे पे कुछ ज़्यादा खास तो नहीं करने वाले हम लोग, और ये जब हम लोग यहाँ पर होते हैं तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं हो पाता, लेकिन हस्बैंड अपनी तरफ से जितना होता है वो कर देते हैं। सो मैंने मना ही किया इस भवन की ज़्यादा कुछ मत करना, बस छोटा सा केक काट लेंगे और थोड़ा सा बाहर घूमने चलेंगे, और नेक्स्ट टाइम हम लोग अपने घर पे भी शिफ्ट हो जाएंगे होम टाउन, तो वहाँ पे मैं अपना बर्थडे बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे स्पेशल तरीके से, क्योंकि वहाँ पे मेरे ससुराल में मेरा अभी तक बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ है। जी हाँ, एंड अभी तक नहीं हुआ, मेरी शादी को टाइम हो गया लेकिन अभी तक कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ है मेरे ससुराल में, क्योंकि बर्थडे के टाइम में हमेशा इधर ही होती हूँ, सोचते हैं कभी सेलिब्रेट करेंगे बट होता ही नहीं है, मैं दिल्ली में ही होती हूँ तो यहाँ पर ही हम लोग कर लेते हैं। और मायके में तो बहुत बार हुआ है, शादी के बाद तो एक भी बार नहीं हुआ, लेकिन शादी से पहले हर बर्थडे मेरी फैमिली के साथ ही हुए थे, और मेरी फैमिली के साथ मेरे बर्थडे बहुत ज़्यादा स्पेशल, और कुछ ना कुछ यादें जुड़ी हुई हैं मेरे के मायके से। ऐसा होता है ना यार, जब हम मायके में होते हैं तो सारे लोग आपके बर्थडे वाले दिन को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देते हैं। सो यार, लेकिन मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं मेरा बर्थडे, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा मेरा बर्थडे वाला ब्लॉग। तो चलिए मैं आपको बता दूँगी बर्थडे मेरा कौन सी तारीख को है, और चलिए मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ और देख लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ एक दो हेयर स्टाइल या फिर कुछ और वीडियो शूट कर लेती हूँ, कुछ नहीं तो टिकटॉक की वीडियो शूट कर लेती हूँ। ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। अगर आप लोग मेरी टिकटॉक की आईडी जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको अपनी टिकटॉक आईडी बताऊँगी जिससे कि आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो करें। और तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और फाइनली मेरे सारी वीडियो शूट हो चुकी हैं और टिकटॉक की भी वीडियो शूट कर ली है मैंने, 2-3 की थी, ज़्यादा नहीं की, क्योंकि मेरे पास पेंडिंग में ऑलरेडी 10-12 वीडियो चल रही हैं, तो मैं 2-4 रोज डाल देती हूँ। सो और गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो फिर मैंने 2-4 ही शूट किए हैं, 2-4 ही किए हैं, उसमें से एक दो तो ख़राब ही निकल जानी है, इतनी अच्छी वीडियो नहीं आती एक्चुअली मुझे टिकटॉक की। सो अभी मैंने हेयर स्टाइल वाली वीडियो शूट की थी, फिर उसके बाद मैंने बाल खोल लिए थे। और तो हाँ, मैं क्या बता रही थी आपको
कि हाँ मेरा बर्थडे आने वाला है, सो मेरा बर्थडे आता है 3 अगस्त को, सो विश कर देना अगर आपका मन हो मुझे बर्थडे, तो फिर 3 अगस्त को मेरा बर्थडे आता है, तो अब जो सैटरडे आएगा ना, यस हाँ जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा, तो सैटरडे पड़ रहा है उस दिन मेरे बर्थडे वाले थे 3 अगस्त को, तो अच्छा है हस्बैंड को छुट्टी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, और वीकेंड ही होगा तो फिर देखते हैं बाहर बाहर घूमने जाते हैं, और व्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लास्ट ईयर वाला भी मेरे बर्थडे सेलिब्रेट किया था, सो आप वाला व्लॉग ज़रूर देख लेना, एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा वो व्लॉग मैंने बनाया था जब मैं न्यू वीडियो अपनी शूट करती थी, व्लॉगिंग करती थी तब मैंने बनाया था। कुछ लोग तो शायद जानते भी होंगे कि बर्थडे वाला व्लॉग देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा मेरा बर्थडे वाला व्लॉग। एंड बस यार सोच रही हूँ थोड़ी सी एक कप चाय बना कर पी लेती हूँ, हाँ तो मैं यही बोल रही थी, और मुझे जाना है अपने घर रक्षाबंधन पे, ससुराल जाना है रक्षाबंधन पे, और वहाँ पर मैं इस बार सोच रही हूँ कि वहाँ पर मैं जाऊँगी तो अपने व्लॉग वहाँ पे शूट करूँगी, और ये आईलाइनर लगा हुआ है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, छूटता ही नहीं है, वॉश करना पड़ेगा हैंड। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, ससुराल जाएंगे हम लोग रक्षाबंधन पे जाएंगे, 15 तारीख की रक्षाबंधन है ना 15 अगस्त की, तो हम लोग जाने वाले हैं 10 तारीख को चले जाएँगे हम लोग घर पर, एंड छुट्टी लगा रखी हस्बैंड ने, तो अच्छा है 9 या 10 दिन हम लोग घर पे रुकेंगे जाकर, छुट्टियां हैं, और वहीं पर फिर मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के लिए, आप भी देखना मेरे ससुराल कैसा है एंड सारे फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं। एक्चुअली घर पे ना कोई वीडियो में आता नहीं है, बहुत ज़्यादा कैमरा शाय है सब लोग, और किसी को आदत नहीं कैमरा फेस करने की, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे हस्बैंड भी मेरे व्लॉग में नहीं आते हैं, एक्चुअली मैं उनको दिखा देती हूँ, मना नहीं करते, बोलने के लिए बोलते हैं, मैं क्या बोलूँगा, हाय हेलो बोल देते हैं, बट कैमरे में वैसे आ जाते हैं, कभी कभी आप देखते हो कि मैं दिखा देती हूँ, तो फिर उनको भी थोड़ा सा वो हो गई, अब बर्थडे वाले व्लॉग में हम लोग बाहर जाएंगे घूमेंगे, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है मुझे अपने बर्थडे पे, एंड इससे ज़्यादा तो आई थिंक कुछ नहीं करेंगे, छोटा सा केक काट देंगे और फिर घर पे जाना होगा। हाँ मैं आपको एक चीज़ बता रही थी कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, हम लोग घर शिफ्ट करने वाले हैं, कुछ टाइम में घर शिफ्ट कर देंगे हम लोग, आए थे 3-4 महीने बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे अपने होम टाउन, क्योंकि पापा, आपको पता है कि मेरे ससुर जी अब नहीं रहे हैं, कुछ टाइम पहले मैंने आपको वीडियो में शेयर किया था, इतने टाइम मेरी वीडियो नहीं आई थी, तो फिर उस वीडियो में मैंने बताया होगा आपको कि मेरे फादर इन लॉ नहीं रहे, तो फिर मेरी मम्मा मतलब मदर इन लॉ भी नहीं है, फादर इन लॉ भी नहीं है, तो सिर्फ हम लोग बच्चे बच्चे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से शिफ्ट करके वहीं पे चले आएंगे, वहीं पे हस्बैंड जॉब कर लेंगे, और साथ में इनके छोटे भाई और इनकी छोटी सिस्टर हैं, तो हम लोग हैं, और बाकी पूरी फैमिली है घर में, हमारे चाची चाचा जी हैं, और काफ़ी बड़ी फैमिली है इनकी, देखा जाए तो बहुत ही अच्छी फैमिली है, तो हम लोग सब साथ में फैमिली के साथ ही रहेंगे, तो हम लोग चले जाएंगे, तो आप देखना कि मैं यहाँ से वहाँ शिफ्ट करूँगी, अभी तो नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम है, अभी 3-4 महीने लग जाएंगे आई थिंक, या फिर ज़्यादा भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं, जो भी कुछ सीन रहेगा आगे का मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि हम लोग कब जाएंगे, और फ़िलहाल तो अभी हम लोग रक्षाबंधन पर जाने वाले हैं, और कभी कभी ना बड़ा वैसा लगता है, आपने देखा मेरा, मैंने आज अपना व्लॉग डाला था, सो उसमें मैंने वो व्लॉग आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया था, आई होप आपने देखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैंने वो स्पेशल व्लॉग सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया था, क्योंकि आप मेरी वीडियोज़ देखते हो तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूँ, और यस तो फाइनली मैंने वो वीडियो शूट की थी, आप लोगों के कमेंट एंड आप लोगों के नाम लिए थे मैंने उस व्लॉग में जो मैंने आज डाला है, कोई ख़ास व्लॉग तो नहीं है, मैंने आपको दिखाया कि मैंने कुछ भी करके नहीं दिखाया आपको व्लॉग में, खाना पीना कुछ भी शेयर नहीं किया, सिर्फ आप लोगों से थोड़ी सी बातें मैंने शेयर कर ली हैं, और ये था मेरा आई मेकअप, आप मुझे बताना कि आपको मेरा आई मेकअप कैसा लगा, पता नहीं क्यों कैमरे में इतना अच्छे से उभर के कलर नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही प्यारा सा ये ब्लू कलर है, और बहुत ही प्यारा सा अच्छा लग रहा है मुझे, अगर आप लोग चाहते हो कि ये मेकअप लुक मैंने किस तरीके से किया है, अगर आप इसके ऊपर कोई वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अपने न्यू वाले चैनल पर इसकी वीडियो डाल दूँगी कि ये मैंने मेकअप लुक कैसे किया था, सो आरती लाइफ स्टाइल मेरा न्यू चैनल का नाम है, तो फिर जाके आप मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार और सपोर्ट दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ, उस पर मैं आप लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो भी बनाऊँगी, और नाम भी लूँगी आपके, मतलब किस बंदे ने
मुझे ये रिक्वेस्ट की, उसका नाम एंड उसकी फिर वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है। सो ये था मेरा आज का छोटा मोटा सा बोरिंग सा ब्लॉग, आई थिंक मैंने आपको बोर ना किया हो। सो चलिए फिर मिलती हूँ आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग एंड वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना और खुश रहिए।